नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबर से, जहां मधुबनी में बिहार सरकार के शिक्षा विधि एवं समाज कल्याण मंत्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा ने डॉक्टर नीलांबर चौधरी के 85वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में कुछ देर रुक के, जहाँ जदयू के पदाधिकारी SDM सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री जी का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार माला एवं पाग पहना कर किया गया। साथ ही समीक्षा बैठक की और प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग में सभी त्रुटियों को निष्पादन करने की बात कही। मधुबनी से किशोर कुमार, ब्यूरो की रिपोर्ट। सिवनी जिले के सालीवाड़ा गांव में हालोन जलाशय बांध से बनने वाली नहर अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के चलते घटिया निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान और जनप्रतिनिधि खासे परेशान है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हो रहे निर्माण में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहता, केवल मजदूरों के सहारे और ठेकेदारों के गुर्गों के द्वारा दादागिरी करते हुए घटिया निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सिवनी से रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। बूंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के तहत गुरुवार को तीसरे दिन महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की NSS स्वयंसेविकाओं ने देवपुरी क्षेत्र में गोद ली हुई बस्ती में स्थित राजकीय मिडिल स्कूल परिसर में छात्राओं ने जंगली झाड़ों को हटाकर और स्कूल परिसर में सफाई कर श्रमदान किया। इस मौके पर प्रभारी अंशुल मीना ने छात्राओं को सफाई का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो समाज भी स्वच्छ रहेगा। इस दौरान शशिकला धदीच, कविता गोड सहित NSS छात्राएं मौजूद रही। बूंदी से कमलेश कुमार की रिपोर्ट। इस समारोह में पंजाब के पशुपालन मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस वर्कशॉप में किसानों को पशुपालन और डेयरी फार्म जैसे सहायक व्यापार को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभी सर जो मेला हुआ था हमारे गांव के अंदर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर हमारी गई है जो ये फर्स्ट पोजीशन पे थी सर, इसने 21 लीटर और समथिंग मतलब लगभग 500 ग्राम ऐसे करके 500 ग्राम 21 लीटर 500 ग्राम के लगभग पूरे दिन का इसने दूध दिया था और चार मिल्किंग हुई थी सर। यहाँ पे चार टाइम तक हमने गायों की मिल्किंग कराई थी, तो ये फर्स्ट आई थी सर उस मिल्किंग के अंदर गाय, और दो हमारे अंकल की गाय थी वो सेकेंड आई थी गाँव के अंदर। जो सही बार का प्रोजेक्ट हम गाँव में चला रहे हैं सर, हमारे पास लगभग 100 कैटल्स हैं सर, टोटल ही सही वाला है। और पहले हमारे पास राठी नस्ल की गाय थी, तो हमने पिछले 6 से 7 साल हमारे यहाँ पे जो वेटरनरी ऑफिसर जो ज्वाइंट हुए हैं उन्होंने हमें सर साहिवाल के बारे में गाइड किया कि साहिवाल को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सर जो AI करानी हमने स्टार्ट कर दी, अच्छी नस्ल के जो बुल्स के उनके पास टीके वगैरह थे उन्होंने रखने स्टार्ट कर दिए। तो पिछले 7 साल से हम राठी से धीरे धीरे करके साहिवाल गाय हमने डेवलप करनी स्टार्ट कर दी सर। तो अभी हमारे पास लगभग 100 के लगभग साहिवाल काउज हैं, और हमने लगभग NDDB को जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का जो इनका प्रोग्राम चल रहा था साहिवाल का, उसके अंदर 10 काप दे चुके हैं, मेल काप हम 10 उनको दे चुके हैं। वो जो लेके जाते हैं मिल्किंग है गायों का जो रिकॉर्ड होता है उसको देख के, और उनके जो भी DNA टेस्ट है, TB का टेस्ट है, जो टेस्ट वगैरह करके वो लेके जाते हैं, तो हम 10 मेल काप उनको पंजाब गवर्नमेंट को वो सॉरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को दे चुके हैं सर। कर तो रहे हैं सर, ये साहिवाल गाय का जो संरक्षण का काम मान लो आप देसी नस्ल का बोलते हैं हरेक ही है, पर सर हम जैसे इसका दूध कोई भी नस्ल है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। बोलिए हमारे पास टॉप नस्ल की गाय, टॉप गाय के अंदर आ रही है ये 23 लीटर दूध स्टार्टिंग के अंदर ब्यांत के अंदर मतलब मान लो आप 4 महीने 3 महीने देती है। एवरेज इनका दूध रहता है सर 15 से 17 लीटर के बीच में, जो भी नॉर्मल घर के पास गाय है। तो बस इसका रेट मिल रहा है अपने को सर लगभग 35 रुपये, हाईएस्ट रेट जो हम बाज़ार में ले जाके बेच रहे हैं सर। तो आज आपने क्या मांग की है मंत्री जी से? मंत्री जी से सर हमने दो मांग की है, जो दूध हम 35 रुपये हमारा मार्केट में बिक रहे हैं सर, हमारा 30 से ऊपर रेट में तो प्रोड्यूस होता है सर, जो इतना कम क्वांटिटी का दूध है क्वालिटी A2 मिले का निकाल रहे हैं 35 रुपये में हमारे सर इनका चारा भी पूरा नहीं हो रहा सर गाय का। तो मंत्री जी से हमने एक तो ये बोला भी इनकी मार्केटिंग के लिए या कुछ भी हमें थोड़ा सपोर्ट किया जाए, ताकि जो इसका एक्चुअल जो कम से कम 60 रुपये से या 65 रुपये से ऊपर दूध बिके तो 2 रुपये हमें मजदूरी मिल सकती है। बाकी गाय घाटा तो नहीं बोल सकते, अपन इनको माए माँ मानते हैं, बट प्रॉफिट वाली बात नहीं है। हमसे 7 लोग लगे रहते हैं घर के इनके अंदर, और आप मान लो अगर 30,000 रुपये पर मंथ नहीं बने 7 लोगों को तो कहाँ बेनिफिट है।
और एक गाय दूध देती नहीं है सर, दूध मतलब अच्छी गाय है तो वो 17 से 18 लीटर दूध दे सकती है नेक्स्ट 2 ईयर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है सर। मेरे अंकल जी टेक केयर करते हैं पूरी गाय की, मैं भी जैसे छुट्टी वगैरह लेके मैं भी उनके साथ, मेरा शौक है सर गाय रखना, मैं उनके साथ काम करता हूँ। अब खबर बिहार से, जहां बगा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के चंपापुर गनोली में गन्ने के खेत में अचानक आग लगने से कई किसानों के गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। फिलहाल किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए पटरी सुन रहा था, देखिए सुन रहा था, देखिए अरे कोई देखा ला, अभी मैं आगे सुन उतर रहा था, ट्रैक्टर भिड़ा कर के जोत दे रही है। ये भी बड़ा डर है यार, ये गिरी से डर तो गर्मिया में है। ए हम तो नंबर कुदारियों को लेवा से केने बड़ा से मार दे होने होने रे करिया सो वाल्मीकि नगर से जनक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।